खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां तागा में स्थापित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को बने 10 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन पावर ग्रिड के सीएसआर मद की राशि का लाभ ग्राम पंचायत तागा को नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में तागा ग्राम की महिलाओं ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सामने जोरदार नारेबाजी कर तागा ग्राम को सीएसआर मद का लाभ देते हुए गांव में विकास कार्य करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि तागा पावर ग्रिड के अधिकारी स्वीकृत कार्यों को कलेक्टर से अनुमोदन कराने की बात कहते हैं, और जब ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय से कार्यों को अनुमोदन करा कर लाते हैं, उसके बाद भी सीएसआर मद की फूटी कौड़ी भी गाँव में विकास कार्य में नहीं लगाई गई है। ग्रामीणों ने पूर्व में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा लगाए गए नल जल योजना को भी केवल कागजों में बनाने की बात कही है। वही गांव के किसी भी मोहल्ले में ऐसी योजना का लाभ नहीं मिलने की जानकारी दी है। पूरे मामले में तागा पावर ग्रिड के जिम्मेदार अधिकारी सामने आने से बचते दिखे। हमने बोलिए ना क्या बात, हमन बिहान समूह के अनहवन हमन के समूह के नाम है वह प्रतिज्ञा महिला संगठन। हमन के संगठन 24 समूह है, ओमा के मैं अध्यक्ष हाँ, मोर सचिव भी है। ओमा हमला ये परेशानी है, हमला बैठे के कोई जगह भी नहीं है। हमन जो हम समूह के समिति में हमन जब बैठन ना, तो पूरा 24 समूह में सब में 10 झीन है, 12 झीन है, 15 झीन है, बैठे के जगह नहीं है। तो हमन गांव के गली में जो चौपाल है हमन ओ मेर बैठन, हमन ये निवेदन करत हन कि हमन बैठो हा भवन बना के दे। हमन मूलभूत समस्या है कि हमारे गाँव में सबसे पहले शिक्षा के बाद स्कूल के बाद बिजली है ना, उसके बाद पानी, और पानी के साथ साथ फिर जो हर मोहल्ला में एक एक मतलब मने मकान है ना, और उसके बाद जो अभी हमारे 26 लड़का ला 17/18/4/2022 के निकाले गए, वो लड़का वाला पुनः लिए जाए।